शाम हो रही जंगल की, सारे पक्षी लौट रहे हैं। आवाज़ सुन रहे होगे आप, ये मेरी फिंगर की सीध में चंद्रमा है। काफ़ी अभी ऊपर आएगा तो दिखेगा, मेरे ख्याल से पूरा पूरा चंद्रमा है। पूर्णिमा आसपास ही होगी। और जो इस टाइम पे वेजिटेशन है, इस टाइम पे ज़्यादा कॉल नहीं हो रही। एक महीने पहले मैं यहाँ था, रोज़ ही लेपर्ड की कॉल हो रही थी। अभी जंगल बहुत ज़्यादा भर गया है तो कॉल नहीं हो रही। रीजन नहीं समझ में आ रहा है। जब से आया हो तब से एक शाम को वहाँ पे बार्किंग डियर की कॉल हो रही थी, वरना इस टाइम तो बहुत कॉल हो जाती। तो या तो वेजिटेशन चलते जानवर मूव हो, लेकिन मूव क्यों होंगे? जब वेजिटेशन बढ़ गया है तो यहाँ होना चाहिए। या तो उनको जानवर को कवर ज़्यादा मिल रहा है तो लेपर्ड उनको ढूंढ नहीं पा रहा है। पीकॉक कॉल कर रहे हैं, एक दूसरे को संदेशा दे रहे हैं। एक इस एंड से कॉल करता है, अभी निकल रहा हूँ जंगली रिजॉर्ट से दिल्ली के लिए। और कल मैं डिस्कस कर रहा था आप लोग से कि बिल्कुल कॉल नहीं आ रही है, घना जंगल है फिर भी नहीं आ रही, जबकि यहीं पे एक महीने पहले इतनी कॉल हो रही थी लेपर्ड की और सबकी। तो अभी फॉरेस्ट वाले आए थे, वो बता गया कि ये जो पहाड़ के टॉप है इस पर पूरी वाइल्ड लाइफ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि वाटर पॉइंट्स ऊपर पहुंच गए। बारिश ज़्यादा हुई तो पानी ऊपर ही अवेलेबल हो गया, तो जानवर आदमियों से दूर रहना चाहते हैं। गर्मियों में नीचे इसलिए रहते हैं, गर्मी में, बाकी विंटर्स में, क्योंकि ऊपर से पानी ख़त्म हो जाता है। अभी बोल रहे हैं कि कैमरा ट्रैप में भालू टाइगर सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, और ये जो ऊपर वाला बेल्ट है ना, इसमें पूरे टाइगर भालू जितने डियर हैं सारे वहाँ शिफ्ट हो गए। इसलिए हमें कॉल नहीं सुनाई दे रही यहाँ से, क्योंकि पहले डियर यहाँ थे, उनके चक्कर में लेपर्ड आ रहा था। अब डियर वहाँ हैं तो लेपर्ड यहाँ बैठ के क्या करेगा, वो भी वहीं है। तो मैं 3 दिन रहा यहाँ पे, सिर्फ 2 बार मुझे बार्किंग डियर की कॉल सुनाई दी, दोनों बार वहीं से, जब मैं पहली बार नदी में जा रहा था तब, और जो हमारी लैंड पे ऊपर बार्किंग डियर यहाँ बोलता था वो अभी बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो कभी कभार भूले भटके आ जाते हैं, उनका शिकार भी जैसे एक बदबू आ रही थी, 99% वही होगा। तो लेकिन बाकी क्योंकि सारी वाइल्ड लाइफ ऊपर शिफ्ट हो गई है, अब जैसे जैसे बारिश ख़त्म होगी, पानी सूखेगा, फिर वाइल्ड लाइफ नीचे आएगी। मैं आया तो था वो नीलकंठ वाली रोड से, जा रहा हूँ ये ऑफ रोडिंग वाली रोड से, क्योंकि लोग बोल रहे हैं पानी कम है। एक दो लोग आए बोले छोटी गाड़ी भी निकल जाएगी, तो पुष्कर को मैंने बैठा लिया है, क्योंकि पुष्कर इस रोड पे चलता रहता है रेगुलर। तो एक पॉइंट पे पानी ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि वहाँ पे उस जगह पे थोड़े पत्थर से हैं, लेकिन ऊपर वाली रोड से निकलना है। तो फिर उधर के लिए पुष्कर को मैं ले आया हूँ, कहीं मैं कन्फ्यूज़ ना हो जाऊँ। पुष्कर को कौड़िया में छोड़ दूंगा, और जो वहाँ से जो डेली गाड़ियाँ आती हैं, तो जीप जो आ रही होगी उसमें पुष्कर लौट आएगा। तो अगस्त के महीने में गाड़ी लेके तो आया एक कमाल, अब दूसरा ये ऑफ रोडिंग वाले रोड से सिलेरियो निकालने जा रहा हूँ, ये दूसरा कमाल है। अब ये देख रहे हैं बारिश में भी एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर चल रहा है, ये काफी तेज फ्लो है। तो पुष्कर बता रहा है कि ये ग्राउंड वाटर आ रहा है, बारिश में क्या होता है फ्लो से निकल जाता है ना, तो इस बार पानी ज्यादा देर तक रहेगा। वैसे तो पूरे साल पानी चलता है यहाँ पे, मई जून में भी पानी रहता है इस पॉइंट पे, पीछे के पॉइंट पे नहीं रहता, आगे विंध्यवासिनी पे तो रहता ही रहता है, ये नदी भी यहाँ से चल रही होती है, लेकिन इस बार आगे तक रहेगा क्योंकि जमीन से निकलने वाला पानी है। बारिश जो हो रही है, बारिश तो अच्छी खासी हुई है, वो पानी जमीन सोख रही है, पेड़ की जड़ें भी सोख रहे हैं, तो तेज फ्लो से निकल नहीं रहा है इस बार, तो लॉन्ग लास्टिंग होगा वाटर, ये जो साफ पानी है अच्छा रहेगा इस एरिया के लिए। ये सामने विंध्यवासिनी माता का मंदिर दिख रहा है, तो देखिए पानी एकदम क्लीन है। अगस्त के महीने में ऐसा क्लीन पानी नहीं होता, एकदम मटमैला पानी होता था, तो बहुत तेज फ्लो से नहीं निकल रहा है। और ये इधर कोने से निकाल लेता हूं, यहां थोड़ा ज्यादा था, और जो वो जेसीबी से खोद के स्विमिंग पूल बनाया गया था ये वो जगह है आगे। अभी तो हर जगह स्विमिंग पूल ही स्विमिंग पूल है, कहीं भी लेट जाओ अच्छा खासा पानी एकदम साफ सुथरा। ये वो जगह है जहाँ स्विमिंग पूल बनाया हुआ था।
ये वो स्पॉट है जहाँ पिकनिक का एटमॉस्फेयर होता था, तो सब दुकानें हट गई हैं। आप देख रहे हैं जो परमानेंट दुकान है सोहनलाल जी की, बस वो है, बाकी सब हटी हुई हैं। और हमने देखिए वो जो जंगली रिजॉर्ट का बोर्ड लगाया था अपनी लास्ट विजिट में, ये लगा हुआ है जंगली रिजॉर्ट का। देखिए ये जो विंध्यवासिनी नीचे दो नदियों का संगम है, तो ये जो नदी आ रही है ताल, एकदम पीला पानी है और फ्लो भी बहुत तेज बह रहा है। ये जो नदी जा रही है तेणो, जहां से हम अभी आ रहे हैं, इसका पानी एकदम साफ सुथरा है और फ्लो नॉर्मल है जैसा होना चाहिए। ये डिफरेंस है, ये रेगुलर चाल में बह रही है, ये मानसून वाली बह रही है। और यहां से जहां पे ये दोनों का संगम हो रहा है, यहां से ये नदी कहलाएगी बीन नदी, जो फिर ऋषिकेश तक जाती है, ऋषिकेश के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। पैदल उतर के देख लेते हैं, थोड़ी गाड़ी हमने गलत ले ली, ऐसे ही चले जाते हैं, हमें लगा यहाँ पानी ज्यादा होगा, ऐसे हम ऊपर से ले आए। और ऊपर से लाने में ये है ऊबड़ खाबड़, और यहाँ पे गाड़ी लग जाएगी। इस जगह से जब उतारूंगा ना, नहीं होगा तो मैं बैक कर लूंगा, वहां से स्ट्रेट आ रहा है। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पत्थर तो नहीं, जहां से बाइक निकल रही है पत्थर था, पत्थर है दो तीन। ये वन गुजर है, गाड़ी निकल जाएगी। हाँ बड़ी गाड़ी है ये। ये हाँ पत्थर तो नहीं है ना, ऐसे ले आऊं कि यहां से उतारूं, यही उतार लूं? यहां से हाँ। अच्छा जैसे आप खड़े हो यहां से ऐसे है, ठीक है। तो ऐसा ये गाड़ी यहां से लाके, ये जो है ना इस पत्थर के बीच से निकाल के ऐसे जाता हूँ, जैसे वो बाइक वाले बता रहे थे। अब ये देखो एकदम पत्थर टकराएंगे जरूर इसमें, धीमे भी चलाऊंगा तो अभी तक तो ठीक है, अभी तक नहीं टकराए। यहाँ तो मैंने सिलेरियो को भी स्कॉर्पियो बना रखा है। इस साल एक जिप्सी ले लूंगा यहाँ के लिए ना, अभी तक तो नहीं टकराया, झाड़ी टकराई है, ये भी साइड से ही टकराया, अब टकराया। अब होने जा रहा है असली में, वहां से पुष्कर बता रहा है सीधे लाओ, सीधे ही लाते हैं पत्थर ना, ज्यादा तेज नहीं चलानी, तेज चलाने से सस्पेंशन टाउन। अरे कुछ भी नहीं हुआ, तो इजीली निकल गई, इतना सोचा ये टकराएगी वो टकराएगी, कुछ नहीं हुआ। इस पॉइंट पे पानी ज्यादा लग रहा है और ऑप्शन एक ही जगह यहां से निकालने का है, तो सामने से ऑल्टो आई है, वो ऑल्टो खड़ी हुई है, यहाँ पुष्कर उतर के देख रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं कहीं पत्थर में फंसा दूं, तो आइडिया नहीं लग रहा, तो एक बार पत्थरों का जजमेंट कर ले तो गाड़ी निकालते हैं यहाँ से। यही तरीका होता है, अगर आप भी आ रहे हैं रिजॉर्ट तो एक बार एक आदमी उतर के देखो, उसने एक पत्थर देखा हटाया, क्योंकि नदी कोई गहरी तो होती नहीं है, एक आदमी उतर के देख लो, उसमें आपकी इंस्टाग्राम की रील भी बन जाएगी। और यहाँ फ्लो ज्यादा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं, निकल गई आराम से, पुष्कर ने पत्थर हटा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। इन ऑल्टो वालों के रास्ता भी बन गया, इनको पता चल गया कहाँ से गाड़ी निकालनी है। ये मेन पॉइंट आ गया जहाँ पे पानी लास्ट है, इसके बाद फिर इतना पानी नहीं मिलता। यहाँ एक बार आइडिया ले ले, इसमें तो नहीं अगले वाले में थोड़ा है, ये तो ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट यहाँ से डाल देते हैं, यहाँ तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है, यहाँ तो ठीक है। बारिश में आते वक्त सबसे पहला पॉइंट यही होता था, ये सीधा बता रहा पुष्कर यहाँ से, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके ही आगे जाना पड़ता था हम लोग को, लेकिन ये पॉइंट निकल गया, एकदम इजीली निकल रही है, कुछ है ही नहीं, देखने में लग रहा है बस। अब यहाँ पे रोड जिस तरह से कटी हुई है, यहाँ से तो गाड़ी निकलेगी नहीं। ये देखिए हाथी की बॉडी पड़ी है, एक दो दिन पहले हाथी आया था, और यहाँ से तो गाड़ी, ये छोटी गाड़ी नहीं जाएगी,
हाथी की पॉटी वहाँ भी बहुत सारी पड़ी है और यहाँ भी पड़ी है। ये ऐसे करके ही निकालनी पड़ेगी, ऐसे फिर ऐसे वहाँ चली जाएगी। हमने ऊपर का ले लिया था, नीचे से भी रास्ता था, हमें लगा नीचे पानी ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हमने गलत ले ली, वहीं वहीं से जाना चाहिए नीचे से। आगे निकलेगी फिर, और आगे निकल जाएगी। अच्छा यही तो, ये यहाँ से तो उतार देंगे, यहाँ पत्थर है सामने ना, और वो बड़े पत्थर हटेंगे भी नहीं शायद। इधर से मोड़ के अगर मैं इधर को काटूँ, यहाँ से जाएगा, ये पत्थर हटेंगे ही नहीं है। देख के देखे सांप ना हो सके। निकल जाएगी इसमें, निकल जाएगी, लाता हूँ मैं, निकाल लाए वहाँ से, पत्थर हटा दिया तो आराम से निकल गई। तो इस पॉइंट पे हाथी बहुत घूमते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी हाथी की पोटी पड़ी हुई है, बहुत इनका हर्ड था पूरा, ये देखिए पोटी है, लेकिन ये बारिश होने के पहले क्या मतलब एक दो दिन पुराना है। और मुझे बहुत साल पहले एक बार हाथी ने रास्ता, हाथी और हथनी ने रोका था, वो यही जगह है, मैं नीचे से जा रहा था, हथनी यहीं थी। ये जो पेड़ लगे हैं घास टाइप के, कांस बोलते हैं इसको, कांस, इससे झोपड़ी की छत जो बनती है ना वो इसी की बनती है, इसको सुखा के इसका पूरा जंगल है यहाँ पे। वो गाड़ी जा रही है जो जीप, वो सोहनलाल जी के बेटे की थी, तो पुष्कर को उसी में वापस भेज दिया है, क्योंकि अब पूरा रास्ता क्लियर हो गया है, थोड़ा सा ही बाकी है। यहाँ से कौड़िया गांव 1 किलोमीटर भी नहीं है। वो जो 2 स्कूटी वाले उनके भी हमने हेल्प करी थी, बीच पे हम शूटिंग के लिए रुक गए थे तो वो आगे निकल गए। तो इस वक्त स्कूटी वाले भी आ रहे हैं, बस ये नदी में पैदल क्रॉस करते हैं दोनों एक दूसरे की हेल्प करके। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन दिख गया रास्ता मुझे। और यहाँ देखिए एकदम मटमैला पानी है, वो जो ताल नदी का पानी आ रहा था ना उसने पूरा कलर कर दिया है अपना। यहाँ से गाड़ी का रास्ता किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, यहाँ से पहले तो मैं निकालूँ इधर। अब इस वक्त समझ में नहीं आ रहा रास्ता है कहाँ से, हालांकि अभी एक गाड़ी निकल गई है, यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। हाँ वो सामने दिख रहा है रास्ता मुझे, यहाँ से ऐसा निकालूँ, हाँ ये है, हाँ ये दिख गया रास्ता। वो भैंस खड़ी है मुझे लगा हाथी है, क्योंकि गांव नज़दीक है ना यहाँ से, तो भैंस वगैरह यहाँ चढ़ती रहती हैं। अभी स्कूटी रास्ते में खड़ी थी, मैंने हॉर्न बजा के बताया भाई हटा लो, तो इन्होंने क्या था साइलेंसर में कुछ ठूंसा हुआ था ताकि पानी ना घुस जाए, तो जब ये स्कूटी पैदल पैदल निकालते हैं तो साइलेंसर में कुछ ठूंस देते हैं। अब ये आखिरी पानी है और ये निकल गया, यह थोड़ा ऊँचा है चढ़ाते हुए, थोड़ी तिरछी चढ़ाऊँगा ऐसे, तिरछी चढ़ाने से क्या
बम्पर नहीं लगा। अब ये 1 किलोमीटर घना जंगल, उसके बाद नहर। मुझे ऋषिकेश में कुछ काम है तो पहले मैं जाऊंगा तहसील में काम है मुझे कुछ, उसके बाद मैं जाऊंगा दिल्ली। ये जंगल से निकल के इस वाली रोड पे आ गया है जहाँ नीचे नहर है, सामने पहाड़ियाँ। ये बीन नदी वाली क्रॉसिंग है जो मैंने परसों भी क्रॉस करी थी। गया था मैं वाया नीलकंठ वाली रोड से, आया ऑफ रोडिंग वाली रोड से, और अब जा रहा हूँ तहसील की तरफ। वहाँ ऋषिकेश और तहसील में आपको इतना दिखाने लायक कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।